जंगल से विचर रहे थे। मर्दाने से कहा, मर्दाना वो सामने कौन जा रहा है? कहा, सच्चे बादशाह कोई व्यापारी लगता है, तराजू है उसके पास, संभवतया ऐसी चीज हो जो दूर से दिखाई देती है, जैसे एक कंधे पर उठाने वाली, पंजाब में उसको वेंगी कहते हैं, दो पैन्स होते हैं जो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उठाने के लिए प्रयोग की थी, ऐसी गांव में बहुत से छोटे साहूकार इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारा सामान दोनों में डाला हुआ होता है, तराजू इत्यादि भी साथ होता है, घूमते फिरते सामान को बेचते हैं। मानो मर्दाने ने संकेत किया, सच्चे पातशाह कोई ऐसा व्यापारी लगता है, बुलाओ उसे मेरे पास। भद्रपुरुष, सच्चे पातशाह तुम्हें याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। खुशकिस्मती समझी, किसी संत ने मुझे बुलाया। जाके नूरी चेहरा देखा, बहुत प्रभावित हुए, मत्था टेका, कहा, लाला ये क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो? कहा, सच्चे पातशाह अपनी आजीविका कमाने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए जगह जगह घूमता हूँ, एक गांव से दूसरे गांव, सुबह घर से निकलता हूँ, रात को वापस लौटता हूँ। क्या बेचते हो, मुझे भी दिखाओ। बाबा नानक ने कहा, कहा जी, हल्दी है, मिर्ची है, नमक, ये दाल, आटा इत्यादि, चीनी, वो छोटी थैली में क्या है? कहा, वेट्स है, बाट, वेट्स, इन सी चीजों को तोलता, दिखाओ। ये पसेरी है, पांच सेर, उस वक्त की बात थी, सेर होता था, ये पसेरी है, ये दो सिर, एक सिर, आधा सिर, ये सब छोटा क्या है, पाओ, वन फोर्थ। बाबा नानक ने उसे पकड़ लिया, धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, तू धन्य जो अपने आप को छोटा मानता है, छोटा मनवाता है, तेरा स्थान सबसे छोटा, तो अपने आप को छोटा ही मानता है, तो अपने आप को छोटा ही मनवाता है, वही परमात्मा की कृपा को पाता है। अपने आप को बड़ा मानने वाला, बड़ा मनवाने वाला, न परमात्मा की कृपा का पात्र, न गुरु कृपा का पात्र, ये दोनों कृपाएं उससे ऐसे ही लुढ़क जाती हैं जैसे उच्च स्थान पर वर्षा बरसती है और पानी नीचे लुढ़क जाता है। ये कृपा कैसे हो, विनम्रता से अपने आप को बड़े मानने वाले, बड़े मनवाने वाले इस अनमोल चीज से वंचित रह जाते हैं, बिना इसकी कदर ही जान सकते हैं और ना इसे प्राप्त ही कर सकते हैं। परमात्मा को, संतों को ये पसंद नहीं है, मुख मोड़ लेते हैं, किसी प्रकार का भी अभिमान है, किसी प्रकार की भी उत्कृष्टता है, सुबह जल्दी उठने की उत्कृष्टता है, बहुत साधना करने की उत्कृष्टता है, बड़ी बड़ी उत्कृष्टताओं की बात करते हैं, धन संपत्ति की तो क्या है, मीनिंगलेस है। साधकों में तो इस प्रकार की होती है, मैं अधिक सेवा करने वाला हूं, करने वाली हूं, जो कोई आगे बढ़ता है उसके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बड़प्पन के चिन्ह हैं, कहीं हमारी बड़प्पन में कमी ना आ जाए, हमारी मनोवृत्ति में कमी ना आ जाए, हमारी मान्यता में कमी ना आ जाए, जो हमें मान सम्मान मिलता है ये आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा,
ये साधकों में, जिन साधकों में ऐसी बातें होती हैं, परमात्मा एवं गुरु उनसे मुख मोड़ लेते हैं। इतने कुछ उपलब्ध होने के बाद भी, इतनी इन पर मेहनत करने के बावजूद भी तस्मस नहीं होते, ये अपने दुर्गुण दोष दूर करने को तैयार नहीं है। इनको लगता है बड़े मानने में और बड़ा मनवाने ही सब कुछ है, मानो जो हमने पाना था पा लिया। ऐसे साधक साधकों गुरु कृपा से, परमेश्वर कृपा से सदा वंचित रह जाते हैं, कुछ नहीं मिल पाता। अभिमान किसी भी प्रकार का समझो, मेरा अमुक के साथ गहरा संबंध है, इस बात का अभिमान। जो ट्रैफिक वाले किसी पुलिस अफसर को जानता है, या कहां रूल्स एंड रेगुलेशंस की परवाह करता है, ये सिर्फ उसी के लिए सत्य नहीं है, इस साधना में भी साधक जनों सत्य है। गुरु के आसपास, संत के आसपास मटकने वाले लोग सब वंचित रह जाते हैं। वे यथार्थता को समझ ही नहीं पाते और यथार्थता को जान ही नहीं पाते, ऐसे ही मानते हैं जैसे हम इंसान हैं वैसे वे भी इंसान हैं। मानो ऊपरी ऊपरी चीज उन्हें दिखाई देती है, भीतरी चीज उन्हें दिखाई नहीं देती। ये बहुत पास रहने का कुप्रभाव उन्होंने लाभ नहीं लिया। बाबा नानक कितने सुंदर उदाहरण से समझाते हैं, विनम्रता, अपने आप को झुकाना, झुके रहना, छोटे से छोटा अपने आप को मानना, दासों का दास, मेरी क्या औकात है परमात्मा देव, मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं। जैसे जैसे ये भाव आपके बढ़ते रहेंगे, आप गुरु कृपा के, परमात्मा की कृपा के पुण्य पात्र बनते जाओगे, भरपूर मिलेगी। एक ही चीज चाहिए, झुकना आना चाहिए, अपने आप को छोटा, अपने आप को शून्य बनाना आना चाहिए।